कोरोना की बढ़ती लहर को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जनपद में ग्राम पंचायत स्तर पर वैक्सीन लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। साथ ही 15 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर ग्राम पंचायत लोधीपुर राजपूत के प्राथमिक विद्यालय में वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है, जिसमें भारी संख्या में गांव की जनता द्वारा अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हुए वैक्सीन लगवाने का काम किया गया। शनिवार को ग्राम प्रधान चंद्रपाल सिंह के दिशा निर्देशन में गांव के प्राथमिक विद्यालय में वैक्सीन का कैंप लगाया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर द्वारा गांव की जनता के वैक्सीन के टीके लगाए गए। टीके लगाने से पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा गांव में घूमकर सभी को जागरूक किया गया और अपील भी की गई कि सभी लोग समय से टीका लगवा लें। ग्राम प्रधान चंद्रपाल सिंह द्वारा बताया गया कि उनके गांव में लगभग 98% वैक्सीन का कार्य पूर्ण हो चुका है और उनका लक्ष्य यह है कि वे अपने गांव के प्रत्येक नागरिक को 100% टीका लगवाने का काम करें, जिसके लिए उनके द्वारा मंदिर और मस्जिद में अनाउंसमेंट कराया गया। ऐलान के बाद लोगों में टीका लगवाने की जागरूकता को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी काफी खुश दिखाई दी। ग्राम प्रधान चंद्रपाल सिंह द्वारा बताया गया कि उनका लक्ष्य 100% टीकाकरण का है, वे लगातार काम कर रहे हैं। गांव की आशा बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं। सरकारी स्कूल की टीचर्स भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम करने में लगे हुए हैं। आजकल कोविड-19 को देखते हुए पूरे गांव का टीकाकरण प्रक्रिया चल रही है, जो कि पूरा विश्व इसके जुड़ रहा है और इसको देखते हुए पूरे गांव में 100% का लक्ष्य रखा गया है। इसको पूरा करने के लिए आशाओं और स्कूल की टीचर अध्यापिका पूरे तन मन से लगी हुई हैं। इसके लिए हम पूरे गांव की घर घर से कोई भी व्यक्ति छूट ना पाए टीकाकरण से, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज और 17 साल से लेकर 18 साल तक का टीकाकरण हमारे प्राथमिक विद्यालय में लगाया जा रहा है। अच्छा, जो लोग रह गए उनसे भी क्या अपील रहेगी आपकी? उनसे हम घर घर जाकर अपील कर रहे हैं, जो नहीं लगा रहे हैं, कि कोविड-19 को देखते हुए हर व्यक्ति टीकाकरण अवश्य करें।